जी हुआ क्या? डायरी मिली क्या? जी शराब। अंदर से मैं और जिया थे, फिर वहां हुआ क्या? ओह गॉड, फोन उठा यार अंश। हेलो अमृता, अंश तुम्हारे साथ है? तुम पागल हो, वो मेरे पास क्यों होगा? अरे मुझे लगा कि तुम उसे पार्सल करके ले गई होगी, रिटर्न गिफ्ट समझ के। ओ जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो, बाबा अंश घर में नहीं है और बाहर उनकी बाइक भी नहीं है। हेलो, चलो बहुत हो गया, टेल मी कहाँ है रणधीर के डैड की डायरी जिसमें लॉयल्टी और लॉन्ग लाइफ के सोल्यूशन के फॉर्मूलास हैं? एक बार मुझे छोड़ के देखो, उनके पास भेज दूंगा, पूछना है पूछ लेना। वो थिंग दी, आज बेचारे का बर्थडे है। Shut your mouth. ये नहीं बताएगा, कल दीपक के स्टैचू का इनॉग्रेशन है, रणधीर अनवील करेगा, खुद का मसाक उड़ाएगा, हैवान अटैक करेगा, स्टैच्यू टूट जाएगा एंड रणधीर विल बी डेड, एंड देन द प्लान इज इजी ब्रीजी। मैं उसकी कंपनी, उसके लैब सब अक्वायर कर लूंगी एंड दीपक की डायरी रोना विल बी दैट सिंपल। वाओ थी, व्हाट अ प्लान। अब यहाँ कुछ ही देर में वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट श्रीमोद्रा की शान दीपक अग्निहोत्री के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने ही वाला है। ये काम कई साल पहले होना चाहिए था। अरे अंकल, ये श्रीमोद्रा के लोग ना स्टूपिड है, स्टूपिड। ये वैक्स स्टैचू पे पैसे वेस्ट करना? अरे कम ऑन, इतने पैसों में अच्छी सी बीच पार्टी हो जाती। मैं आपकी घड़ी भूल गया हूँ, लेके आता हूँ। हाय, ऐसी डिस्गस्टिंग बात तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुमसे ज्यादा तो लोग तुम्हारे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट? अरे सिर्फ क्रिप करते हैं यार, यू कैन आस्क एनी स्टूडेंट यार। यू सच अ, यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। अंश कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उससे काम है। इट्स फाइन, कटेक्स आया था, ही इज गॉन आउट फॉर अ वीकेंड, लाइक कोई इवेंट था। हे, हम दोनों भी चले कोई इवेंट पे? इवेंट नहीं, नहीं मुझे काम है। इवेंट नहीं, गेट अवे, ओनली मी एंड यू।
कोई अमेजिंग सी जगह, कोई सेक्सी बीच, सेक्सी बोट, डे एंड नाइट पार्टी फन। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मुझे कब पूछोगे और मैं कब तुम्हें ना बोलूं। स्टूपिड। अभी नहीं कि कभी नहीं। स्टैम्प पेपर पे लिख के दो क्या? अरे क्या लिख के दोगी? हेलो बता के तो जाओ, यस और नो। ओए कुछ तो जरूर प्लान होगा उस जिया का। डैड के स्टैचू का इनॉग्रेशन के लिए उसने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या हो सकता है उसका प्लान? एग्जैक्टली 7 बजे तुम इस पर अटैक करोगे एंड यू विल किल हिम। उसके बाद इस बॉडी बिल्डर को भी। गॉट इट? पुलिसमैन से लेकर बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी अलर्ट नाउ मूव। हेलो हेलो वेलकम। हेलो ये लड़का कितना बदतमीज है, आज के दिन भी अभी तक नहीं पहुंचा है। मैडम रणधीर बाबा आज नहीं आ रहे हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए हैं। What? हाँ। अगर वो नहीं आ रहा है तो किसी और गरीबी को इनॉग्रेट तो करना पड़ेगा ना। वहाँ देखो कल के फ्रंट पेज पर हमारी फोटो होगी। कभी कभी सही बात कह देते तुम। रणधीर का है ब्लडी हेल। जी रणधीर को मारने के लिए स्टैचू सेरेमनी की क्या जरूरत थी, हैवान को भेज देते, वो उसे ढूंढ के मार देता। You idiot. स्टैचू गिरेगा तभी तो सबको लगेगा कि एक्सीडेंट की वजह से रणधीर मरा है। बाप बेटे दोनों खत्म। Get it? आइस पैक लगा लो। किसी ना किसी को तो इनॉग्यूरेट करना ही है ना, मैं ही कर लेती हूँ। आंटी सॉरी हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, आखिर रणधीर दीपक सर का बेटा है तो स्टैचू का इनॉग्रेशन तो उसी को करना चाहिए। जी एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम रणधीर का इंतजार करेंगे तो इस स्टैचू के बगल में मेरी स्टैचू भी लग जाएगी। राइट आई विल सी यू। लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स ट्रूली हेलो हेलो हाय हाय हेलो हेलो आंटी, क्या हुआ पहचाना नहीं आप लोगों ने? अरे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ये जितना तमाशा करेगा हमारे लिए अच्छा ही है, सारे इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, अपने आप ही उसे निकाल देंगे। गाइस आज कोई मस्ती नहीं होगी, आज तो सीरियस इवेंट है। आज मेरे डैड की बरसी है, सो नो फन। क्या है ना आज मैं अपने डैड की बरसी पे टाइम पे आऊँ, सो डैड मस्ट बी सो प्राउड ऑफ मी, है ना डैड? सो गाइस वेलकम टू माय डैड्स बरसी। हैप्पी बरसी टू यू। बेटा पापा की बरसी नहीं है बेटा, पापा की स्टैचू का इनॉग्रेशन है। ओह या 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 पापा इन द मेमोरी ऑफ दीपक। अरे वाह क्या कर रहे हो बेटा? हे डैड आपकी नाक इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे छोड़ो गाइस, अपने डैड की एक सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन आप लोग किसी को बताना नहीं। मेरे डैड ना एक्चुअली बहुत बोरिंग थे, ना दारू पीते थे ना पार्टी करते थे, और लड़कियों का तो बिल्कुल शौक ही नहीं था, नो फन एट ऑल। आंटी आप भी तो लाइन मारती थी ना पापा पे, और उन्होंने तो आपको भाव भी नहीं दिया। हाँ मम ने बताया था मुझे, हाँ इनका कुछ नहीं हुआ था, वेरी बोरिंग। हाय सब, पार्टी के बाद क्या सीन है तुम्हारा? बहुत हो गया रणधीर, तुम्हारे पापा ने इस पूरे शहर को और इन सारे लोगों को बहुत इज्जत दी है, इसीलिए आज इतने साल बाद भी वो लोग उन्हें इतना प्यार से याद करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट दिखाने आए हैं स्टैचू इनॉग्रेशन पर।
अगर तुम बिना टाइम वेस्ट किए स्टैचू इनॉग्रेट करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अरे यार बहुत दे दी बोरिंग रिस्पेक्ट, आज तो मैं पापा को ऐश कराऊंगा। गाइस से चीयर्स टू माय डैड। रणधीर गेट डाउन। चीयर्स। वाह नाइस डैड। रणधीर स्टॉप इट, सब देख रहे, तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। वेरी गुड। हैवान कहाँ है? रणधीर मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलवाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। अरे एक मिनट यार, मुझे पापा के लिए ना एक स्पेशल गाना गाना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। You bloody fool, get down, down right now! पागल हो गया मेरे डायर यार, तुम कहाँ चले? Please, मत खींचिए। नहीं 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 नहीं, please please मत खींचिए। प्लान एक्टिवेट कर दिया है, मुझे इन सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। ये काम सिर्फ मेरा केमिकल कर सकता है। पियो, पियो, What the hell is this? लगता है यहाँ आग लग गई है। Let's go, जल्दी जल्दी सब लोग बाहर निकलो, निकलो। नीचे उतरो रणधीर। पापा पापा क्या कर रहे हो? मैं लेकर आऊंगी। यू इडियट। आई लव यू, आई लव यू। रणधीर आई एम वार्निंग यू। दिखाई नहीं दे रहा है मैं अपने पापा को? रणधीर, अरे बेटा जल्दी चलिए, धुआं बढ़ता जा रहा है। मुझे दिख रहा है लेकिन उसे छोड़कर थोड़ी जा सकती हूँ। टीम्स को अलर्ट करो। जाओ जी मैडम, जी मैडम बात करो, समझाओ ना इसे। नीचे उतरो रणधीर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ लेकिन यहाँ तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। नीचे उतरो। आना चाहिए था ना, अभी मुंडी मेरे सर पे लग जाती तो। जिया को तो पता भी नहीं कि हमारा प्लान क्या है और आगे हम करने क्या वाले हैं।
बदलेगा ये बदलेगा ये जमाना बदलेगा दोस्ती के नाम पे कर सब मान ये दुश्मनी का प्यार से पत्थर अब ये तोड़ेगा। तेरे डैड के स्टैचू के इनॉग्रेशन वाले दिन तेरे को मारने का प्लान है जिया का। वो तेरी लैब टेक ओवर करना चाहती है और अंकल की रिटायरी हासिल करना चाहती है। डोंट वरी अंश, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल अंश, आर यू श्योर? अरे हाँ मेरी जान, हाँ। देख मुझे पक्का यकीन है कि अगर मुझे कुछ हुआ ना तू मुझे जरूर बचाएगा, पर मेरी जान अगर तुझे कुछ हो गया ना आई एम यूजलेस, समझा भाई? लेकिन ये रणदीप, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। Change an anomaly to 0.002%. छोड़ी सुनना, एक सेल्फी लेते ना। इधर इधर कंटिन्यू। नॉनसेंस, हेवान कहाँ जा रहा है? दी वो वहाँ। कम फास्ट, फॉलो करना है उसे। सुपर ह्यूमन बनाना होगा जो इस
बुराई को खत्म कर देगा। आज हक से अपने आप को आपका बेटा बोल सकता हूं। जिस हैवान ने आपको मारा आज मैंने उसे मार दिया। डैड आई डिड इट। ब्रो क्या फील दी यार, मजा आया? ये ले यार, रख ले से। इस कंट्रोलर से तू कभी भी सुपर ह्यूमन बन सकता। और साले मेरे पे यूज मत करियो। तू मुझसे बच के रही हो? हां अब मेरे पास पावर है। हां तो सोच ले मैं क्या करूंगा। साले मेरे पे यूज करेगा। ये ट्रैकर तो रुक गया। शराब, जहां ट्रैकर रुका है वहां चलो जल्दी। ओके। दी। अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्याल क्या कर रहे हो बेहोश? तो क्या हिंदी फिल्मों के हीरो की तरफ किस करके जगाओगे? स्टूपिड, आर यू मैड ओवर? मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारी सास आ रही है कि नहीं। शट अप। लाइन नहीं मार रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। आ जाओ कम। ऐसा कुछ हुआ दीवानी लहरों को जैसे सायल मिला। इलायची खाती हो तुम? अभी इमली नहीं खाते? No way. तो तुम्हें स्कूल में खाता था ना, और आजकल वैसे भी वो क्या आ गई है, वो इमली की वो कैंडी है। सब यहाँ क्या हुआ रणधीर? मैं तो बेहोश हो गई थी। मैं तो कभी होश में ही नहीं होता, मुझे क्या पता। Just shut up, I'm serious. यहाँ पर right here मैंने एक मॉन्स्टर देखा था। अरे are you mad or what? बेहोशी में तो अच्छे सपने देखने चाहिए। अरे व्हाट रबिश यार रणधीर, आई एम टेलिंग यू मैंने उस मॉन्स्टर को 3 बार शूट भी किया था। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अपने पापा के साथ पी रहा था, इतनी मस्ती कर रहा था, और तुमने ना मेरा सब फन खत्म कर दिया। नो 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 नो, मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ पर खड़े थे, तुम जिद कर रहे थे, तुम उतर नहीं रहे थे, और फिर यहाँ से मैं यहाँ पर भाग कर आई थी, और जैसे ही मैं यहाँ पर आई आई वाज गेटिंग सफोकेटेड। पता नहीं मेरे सर पर यहाँ पर किसी ने कुछ जोर से फेंका, कैसे मैं यहाँ पहुंची, और जैसे ही मैं यहाँ पर गिरी एंड आई लुक्ड ओवर हियर, तो इस स्टैचू का सर सीधा मेरी तरफ आ रहा था, और फिर तुमने तुमने मेरी जान बचाई। अच्छा, जान बचाई, कॉम्प्लीमेंट, वाह वाह वाह। सुनो मेरी बात अमृता, अगर मेरे साथ डेट पे जाना है ना, तो ऐसे ही फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, हिंट्स मत दो, सीधा बोल दो। जस्ट कीप क्वाइट रणधीर, मैं तो क्यों हर चीज में तुमको मजाक के सिते, हाल देखो यहाँ पर क्या हो रखा है। चलते ना डेट पे, बहुत मजा है। मैडम आप ठीक तो है ना?
ये दरवाजा पता नहीं कैसे जाम हो गया था और बाहर अफरा तफरी में हम सब वहाँ पे। डोंट वरी आदिति, मैं ठीक हूँ। एक काम करो, ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करो और टीम्स को बाहर भेजो। कम ऑन, गेट टू वर्क। व्हाट्स अप एवरीवन? अरे मेरे भाई, एक मिनट, ये क्या हुआ? और स्टैचू का इनॉग्रेशन था, ये कैसे हुआ? नो क्लू अंश, मैं खुद बेहोश हो गई थी अभी अभी। एक मिनट अमृता, एक मिनट, तुम्हारे हाथ पे खून निकल रहा है। दिस इज नथिंग। एक सेकंड, व्हाट नथिंग? आप प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए जल्दी, फटाफट। एक मिनट में, सुनो भाई, ओ एंटीसेप्टिक ना थोड़ी माइल्ड लाना, स्ट्रांग लाओगे तो तुम्हारी मैडम पूरी निकाल देगी और तुम्हें साफ करना पड़ेगा। इससे मेरी इतनी पुरानी बात भी याद है। स्पेशल लोगों की स्पेशल बातें भूली नहीं जाती। अबे स्पेशल नहीं, नमूना बोल नमूना। याद है बचपन में हम लोग कोई भी खेलते थे तो आ जाती थी मैं भी। और एक बार वो हम लोग कुछ गेम खेले थे, ऊपर एक दूसरे के चढ़े थे, ये मेरे ऊपर चढ़ी, नीचे गिरी और मैंने एंटीसेप्टिक लगाई और उसके बाद पूरी उल्टी मेरे ऊपर ही, इसलिए याद है भाई। चल छोड़ी सा, जा रहा मैं, चलो बाय। मुझे ये लड़का समझ में ही नहीं आता है। कभी आएगा भी नहीं, और जिस दिन आ गया तो मैं इससे प्यार हो जाएगा। प्लीज ब्लडी हेल, हाउ इज इट पॉसिबल? मैम, इंफॉर्मेशन मिली कि रणधीर बच गया है। ओ शिट दी, हम तो गए। मैडम, अनसेफ उसमें नहीं है, उसे कोई उठा कर ले गया। ओ माय गॉड, व्हाट द, एक मिनट। मैं नहीं हार सकती, मेरा हैवान, इतने सालों की मेहनत, मेरे हैवान को किसने मारा? ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढोगी उसे जिया? हमारे हैवान को इतना आसानी से मार कोई नहीं सकता था, सिर्फ एक पावरफुल सुपर ह्यूमन ही कर सकता था ये। मतलब ये कि किसी ने एक बहुत अच्छा पावरफुल सुपर ह्यूमन बनाया है, सिंपली ब्रिलियंट। डैड आप खुश हो रहे हो? हमारा हैवान मर गया, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी। वी आर डन, वी फिनिश्ड। ओह जिया, जस्ट रिलैक्स। क्या कहते हैं तुम लोग बच्चे, जस्ट चिल। टेंशन लेके क्या होगा? जैसे हमारे हैवान को एक पावरफुल सुपर ह्यूमन ने खत्म किया है, वैसे सुपर ह्यूमन को भी कोई खत्म कर सकता है, और वो कोई है, यति मास्टर। यति मास्टर, अगर कभी हमारा सुपर ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो जाए या उसका कंट्रोलर टूट जाए तो याद रखना, शिमला से आगे सोलांग वैली में एक साइंस मॉनेस्ट्री, छोटी सी साइंस मॉनेस्ट्री। हाँ, इस मॉनेस्ट्री में इंसानी ताकत से ऊपर की शक्तियों का सामना करने की विधि सिखाई जाती है, और सिखाते हैं रियती ट्रेनर्स। ये वो लोग हैं जो कड़ी तपस्या और सालों की मेडिटेशन और प्रैक्टिस के बाद इतने पावरफुल बनते हैं। ऐसे लोग करोड़ों सालों से दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना, उन तक पहुंचना इज नॉट इजी। इन ट्रेनर्स का एक रियती गुरु है, सिर्फ वो ही सुपर ह्यूमन को काबू में भी कर सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। काफी पुरानी बात, कनोली के जंगलों में एक हैवान ने आतंक मचा रखा था। एक दिन उस हैवान ने एक टूरिस्ट ग्रुप पर हमला कर दिया। जिन्होंने उस हादसे को देखा था, उनका कहना है कि यही येती मास्टर था जिसने हैवान को मार दिया, और बस उसके बाद उस येती मास्टर को किसी ने नहीं देखा और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। Thank you.
क्योंकि सर आपने हम सबकी जान बचा ली, वरना ये तो हम सबकी जान ही ले लेता। चुप, एक एक करके अपना सामान इस बैग में डालो और मुझे दो। चल। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ना सिर्फ शैतानों से लड़ते हैं बल्कि उन्हें अपने कंट्रोल में करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इनके सामने कोई भी शैतान या सुपर पावर नहीं जीत सकता। जाओ जाकर ढूंढो उस येटी मास्टर को, क्योंकि सिर्फ येटी मास्टर ही सुपर ह्यूमन की तरफ तुम्हें लेकर जाएगा और उसे खत्म भी कर देगा। एंड देन बिजनेस एज यूजुअल। गुड मॉर्निंग शिमोद्रा, आज मौसम बड़ा बेईमान है ना? आई तो थिंक आज जो बाहर ड्राइव पे, पिकनिक पे, शॉपिंग पर या फॉर दैट मैटर इवन ऑसम कोल्ड कॉफी के लिए कैफे न जाए वो क्रिमिनल है। घर पर रह के हाउ कैन यू वेस्ट दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस डे। हवा में नमी है लेकिन स्काई क्लियर, सूरज एकदम राइट टेम्परेचर पर निकला है आज, तो फोन का मोड कैमरा पर लगाओ एंड गेट गोइंग गाइस। लगता है आज मेरा लकी डे है। तू पहला पहला प्यार है मेरा। ओए, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह ये सुपर ह्यूमन बनके? क्या मस्ती चल रही है? रणधीर मेरी जान, क्या कर दिया ये? भाई इट फील्स सो ग्रेट। पता है मुझे ऐसा लगता है कि शिमोत्रा ही नहीं पूरे वर्ल्ड का क्राइम और टेरर खत्म कर सकते हैं हम। अबे यही तो डैड का सपना है और साले तू पूरा करेगा। अच्छा वो सब ठीक है, एक मिनट रुक ना, अभी तो एक्सरसाइज करके आया तू। क्या? तुझे मेरा काम करना होगा। बोलना बोलना मतलब बोला तो था वो। क्या? प्रपोज करना है ना मुझे उसको। साले छुपे रुस्तम, प्रपोजल कौन है लड़की? अरे बता पहले तुझे मैंने पता मुझे कौन है लड़की? गुड मॉर्निंग बॉयज, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी इतना सुबह उठते हो जॉगिंग के लिए। कंसिडरिंग इतनी पार्टी करते हो रात रात भर, हैंगओवर होता होगा ना नेक्स्ट डे। ओह नो, ये क्या ऊपर वाला भी? व्हाट टाइमिंग ब्रो? मैं क्लीन करता हूं। हो गया हंस के तुम्हारा? रणधीर क्या कर रहा है यार? अमृता मैं ठीक करता हूं, रिलैक्स। क्या ठीक करोगे? मेरी मॉम की घड़ी अभी तो ठीक होकर आई थी यार, फिर से बिगड़ जाएगी। इट्स जस्ट सो इरिटेटिंग यार। What is wrong with you? रणधीर क्या? तुम मेरी मॉम की घड़ी पर पानी क्यों डाल रहे हो बेवकूफ? अरे कुछ नहीं होगा, पहले नहीं थी अभी वाटरप्रूफ है। मेरी घड़ी को मुझसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? एक पुलिस का हाथ पड़ेगा ना ठीक हो जाओगे फिर। लेकिन अगर क्रिमिनल को भागने की आदत पड़ गई तो? गाइस रिलैक्स, एक मिनट रिलैक्स, अमृता रिलैक्स। तुम बीच में मत बोलो, लास्ट टाइम भी मेरी मॉम की घड़ी इसी की वजह से टूटी थी। रिलैक्स एंड लिसन टू मी, तुम्हारी घड़ी अब नहीं खराब होगी। जब मैंने तुम्हें लाके दी थी वो रणधीर ने ठीक कराई थी यार। Really? Yes, अमृता, और अब तुम्हारी मॉम की निशानी हमेशा चलेगी, बिल्कुल परफेक्ट। गाइस मैं तो जा रहा हूँ कोल्ड कॉफी पीने, किसी को आना है तो आ सकता है। रणधीर वो जो बाहर हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। दोस्तों को सॉरी नहीं, सीधा गाली देते। यू मेक अ मिनट, वन दो और कोल्ड कॉफी।
तो क्या सीन है रात का? आ रही हो ना रियूनियन पे? Are you crazy? स्पैच इनॉग्रेशन पे जो अटैक हुआ उसके बाद पूरी सिटी का माहौल टेंस है और तुम्हें पार्टी की सूझ रही? पार्टी तो बनती है भाई, वो तो होता रहेगा सब कुछ। अरे अमृता, आई गेस ही इज राइट। अब देखो ना, इतने सालों बाद सबको मिलना होगा। नो, आई सेड नो। एंड यू नो व्हाट, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है क्योंकि मैं ये पार्टी होने नहीं दूंगी। कम ऑन अमृता यार, आई मीन इट्स जस्ट अ पार्टी। सेफ्टी नाम की एक चीज होती है, मेरी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है। वी विल ऑल मीट अगेन, इट्स फन। तो कभी और मिलेंगे। हेलो दिनेश अंकल। हाय रणधीर यार, हाउ आर यू अंकल? यू नो मी, आई एम गुड, आई एम गुड। अंकल मुझे ना आपसे कुछ काम था। क्या ना, वो कॉलेज रियूनियन है और आपको तो पता है शिमोधरा में आजकल क्या हो रहा है। यू नो ना दीज अटैक्स एंड ऑल। तो अंकल वो जो आपकी नई एसपी है ना, अमृता शर्मा, हाँ अंकल, उसको कमिश्नर कॉलेज से। हेलो हेलो अंकल, आप उससे फोन दो, आप उससे हमारे सिक्योरिटी के लिए। ओए इधर आना। ओए एसपी, आज रात को कॉलेज रियूनियन, टाइम पे आना। ओके ये खुद को समझता क्या है? Yes. पूरा शिमोधरा। हाँ सर, I'm fine. अच्छा। और शुगर कैसी है? एक सेकंड अमृता, अमृता एक सेकंड relax. तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही? मुझे कोई बात नहीं करनी। एक सेकंड, calm down. बात नहीं करनी, ठीक है मत करो, but at least मेरी बात सुन तो लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। अपने आपको समझता क्या? पूरी शिमोधरा को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा। कभी कभार लगता है इसमें 1% अच्छाई तो होगी, लेकिन अगले ही मिनट प्रूव कर देता कि सबसे बड़ा बेवकूफ है, स्टूपिड। God. Are you okay? Yeah, I'm fine. इसकी वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम क्या बता रहे थे? हाँ? क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। Generally मैं पार्टी में मिलेंगे ना तब बात करता हूँ मैं। मैं नहीं आ रही पार्टी पार्टी। ओए 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 ओए, पकड़ पकड़ पकड़। यार सॉरी यार, इसकी सेटिंग करवाते करवाते भूल ही गया था मैं। तू क्या कह रहा था, वो प्रपोज? अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू प्रपोज कर भी रहा है ना, तो अकेले में करना, ऐसे 50 लोगों के सामने मत करना, वरना शौक नहीं मिलेगा यार। हाँ हाँ मैं समझ गया, बस अभी क्या समझा, एक नंबर का डफर है इस मामले में। तुझे याद है ना स्कूल में क्या हुआ था, कौन लड़की थी वो? पायल। पायल सिन्हा। क्या किया था तूने उसके साथ? फ्रेंडशिप बैंड लेके गया था और राखी बनवा दी थी इसने। हाँ कितनी इंसल्ट होती तेरी, तेरी इंसल्ट होती तो मेरी इंसल्ट होती, और मैं अपनी इंसल्ट देख भाई बर्दाश्त नहीं। मेरे बाप चुप हो जा। तुम्हें पता है कौन है वो लड़की? रणधीर क्या कर रहा है, चुप हो जा यार। देख मेरी बात सुन, मेरे पास ना एक आइडिया, मस्त आइडिया। मुझे क्या बताने वाले थे वो तो बता दो। मिल रहे ना पार्टी में, तब करता हूं बात आराम से। आई जस्ट होप मुझे कोई प्रपोज ना कर दे आज, बिकॉज़ मेरे लाइफ तो हैवानों से भरी पड़ी है। बस एक बार मुझे हां कर दो, ये लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में था। कुछ कहा था ना? नहीं मैं नहीं, वो अच्छा सुनो, एक एडवाइस देनी थी। एक बात तो सही कह के गया कि अगर किसी को प्रपोज भी करोगे तो सबके सामने मत करना, क्योंकि अगर डिजायर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी, बेइज्जती भी हो सकती है और तमाशा भी बन सकता है, and you don't want that, right? Thank you. I think Randeep is waiting for me. मैं मिलते हैं पार्टी में। Miss you. Please. All right. Bye. God, अब रियूनियन को झेलना पड़ेगा। I love you. तो क्या बोले जा रहा है? यार रणधीर तेरे को बताया था ना मैंने, मैं उसे Hi. What's up? तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें याद कर रहा था? मैं किसी से मिलूं और वो मेरे बारे में ना सोचे, not possible. But actually आज ना मैं तुम्हें miss कर रही थी. Oh, really? You know what? मुझे लगता है मुझे मेरा नाम चेंज करके लकी रख लेना चाहिए. Actually उस दिन तुम लकी होते होते रह गए थे, तो मैंने सोचा एक और बार ट्राई कर ले हमारी लक. मेलरो हाई का रियूनियन है, सब लोग जा रहे हैं, मैं तुम्हारी डेट बन जाऊं? रियूनियन मतलब, लेकिन वो पार्टी तो सिर्फ सिर्फ एलुमनी के लिए ना, तुम तो कॉलेज में नहीं थी। 3 महीने तो थी ना दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने से पहले। यू डोंट रिमेंबर? या तुम चाहते हो कि मैं नहीं आऊं? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नो, आई मीन ऑफ कोर्स यस, आई रियली वांट यू टू कम। यू नो व्हाट,
हम दोनों ना साथ में चलते हैं। As a date? Great. So pick me up. Yeah, sure. Bye. क्या चाहती हो तुम मुझसे? वो ही जो सिर्फ तुम देख सकते हो। सुपर ह्यूमन को ढूंढो, उसे पकड़ो मेरे लिए और उसे खत्म कर दो। कहाँ मिलेगा वो? रणधीर, रणधीर और सुपर ह्यूमन का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जब मेरा हैवान फेल हुआ था, रणधीर वहां पे ही था। रीयूनियन पार्टी में रणधीर आएगा, तुम उसे अटैक करोगे। सुपर ह्यूमन जहां भी होगा उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। उसके आते ही तुम उस पर अटैक करोगे एंड जस्ट फिनिश हिम ऑफ। और फिर मैं रणधीर की लैब्स और उसकी कंपनी टेक ओवर करूंगी। उसके डैड की रेड डायरी ढूंढूंगी और फिर मेरा नया सबसे पावरफुल हैवान बनाऊंगी।